भैया तुस बाहर आइयो, तुस बाहर आयो। आज सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के साथियों का यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज लोहड़ी का त्यौहार जो है जहाँ जम्मू में मनाया गया, ये लोहड़ी का त्यौहार महाराजा कंस ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए लोहिता नाम की एक राक्षसनी को भेजा गया था। और भगवान कृष्ण ने लोहिता नाम की राक्षसनी को खेल खेल में ही उसको जो है वो मार दिया, और उसी के नाम से ये लोहड़ी का त्यौहार जो है वो सारे तमाम लोग जो है वो मनाते हैं। और इसका एक मैसेज जो है ये तमाम लोगों में जो है वो दिया जाता है। और इसका मैसेज ये है कि जो भी पापी इंसान होते हैं, जो राक्षस वृद्धि के जो इंसान होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका खात्मा जो है वो इसी तरीके से किया जाता है। और कल मकर संक्रांति का दिन है, और कल मकर संक्रांति के दिन पे जो है वो प्रयागराज में कुंभ जो है वो मेला जो है वो स्टार्ट होता है, और एक महीने का मेला जो है वो शुरुआत होती है मकर संक्रांति दिन में, वो कल से होती है। और आज सबसे बड़ा पैगाम जो है वो यही है पूरे विश्व के लिए जम्मू कश्मीर से, कि जहाँ जितने भी राक्षस वृद्धि के जो लोग हैं, जो गलत सोच के लोग हैं, उनको ऐसे ही जलाया जाए जैसे लोहिता नाम की राक्षसनी को जलाया गया था। और ये मैसेज जो है आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने आज जो है जहाँ अपने जम्मू में जो है ये लोहड़ी मनाकर अपने तमाम सरपंचों के साथ, अपने ऑफिस बेयर के साथ जो है इसकी शुरुआत की है। और क्योंकि आज कोविड की SOPs थी, 25 लोगों से ज़्यादा डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने मनाई की थी कि 25 लोगों से ज़्यादा लोग ना हों, इसीलिए हम लोगों ने 25 लोगों से कम लोगों को जहाँ पे जो है इजाज़त दी थी आने के लिए। बहुत सारे लोग तैयार थे, लेकिन हमने खुद उनसे गुजारिश की थी कि सिर्फ 25 लोगों से कम ही लोग जहाँ पे जमा हों लोहड़ी मनाने के लिए। और जो भी लोहड़ी के त्यौहार के लिए मैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूरे जम्मू के वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, पंजाब के वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि लोहड़ी का त्यौहार सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और पंजाब में मनाया जाता है, या फिर जो पंजाब के साथ जो थोड़ा सा एरिया जो हिमाचल का लगता है वहाँ पर मनाया जाता है, और कहीं पर भी ये लोहड़ी का त्यौहार नहीं मनाया जाता। और मेन मकसद और माकब यही है, जितने हमारे पाप हों, जितने भी हमारे जो है हमारे जो जो जम्मू कश्मीर के अंदर हों या देश के अंदर हो, जितने भी जो राक्षस वृद्धि के जो लोग हैं, जो गलत सोच वाले लोग हैं, उनको इसी तरीके से जो है वो जलाया जाएगा, इसी तरीके से मारा जाएगा जैसे भगवान कृष्ण ने लोहिता नाम की राक्षसनी को जो है वो मारा मार दिया।